फ्रेंड, आई एम गोपी कुमार श्रीवास्तव एंड दिस इज माई फिफ्थ वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 6 प्रोडक्शन फंक्शन एंड दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट. सो लेट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. दिस इज क्लास 11. व्हाट इज मीन बाय द रिटर्न टू फैक्टर. देखिए, रिटर्न टू फैक्टर मतलब आप क्या समझते हैं, और व्हाट लीड टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, और किस चीज़ के किसके अनुसार इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर होता है. सबसे पहले ये समझिए कि रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है. रिटर्न टू फैक्टर को हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कहते हैं, जो हमने थर्ड वीडियो में डिस्कस किया था. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को ही हम लोग रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं. चाहे एग्जाम में रिटर्न टू फैक्टर आए लिखने के लिए या आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आए, दोनों वर्ड एक ही होता है. आप यहाँ पर याद रखें. चलिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. रिटर्न टू फैक्टर में लिखा गया है ओनली वन वेरिएबल फैक्टर इज इंक्रीज, ऑल अदर इनपुट आर हेल्ड कॉन्स्टेंट. मतलब एक ही वेरिएबल फैक्टर चेंज होगा, बाकी कॉन्स्टेंट रहेगा. जैसे यहाँ पे लैंड को मान लेते हैं और लेबर को मान लेते हैं. लैंड हमारा फिक्स फैक्टर है और लेबर हमारा क्या है, वेरिएबल फैक्टर. लैंड हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहता है. अब वेरिएबल फैक्टर क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेबर बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, पर लैंड तो मेरा एक ही बार खरीदा जाएगा, तो वो कैसे बढ़ेगा. तो कुछ फैक्टर फिक्स रहेगा, कुछ क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा. बिल्कुल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को ही डील कर रहा है. हेल्ड कॉन्स्टेंट द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द आउटपुट इज कॉल्ड रिटर्न टू फैक्टर. और उसके बाद जो आउटपुट में जो बदलाव आएगा, जो इंक्रीज आएगा, उसी को हम लोग रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया इन अदर वर्ड रिटर्न टू फैक्टर रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ द टोटल आउटपुट एज वन वेरिएबल इनपुट से लेबर इज वेरिड. तो यहाँ पे बिल्कुल यही कहा गया कि जब आपका आउटपुट बढ़ता है और लेबर के कारण बढ़े, लेबर आप जब बढ़ाते हैं तो आपका आउटपुट जब बढ़ता है, तो उसको आप कह सकते हैं रिटर्न टू फैक्टर, या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं. और ये जो कॉन्सेप्ट हमारा शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग रन का तो कॉन्सेप्ट हो नहीं सकता, क्योंकि लॉन्ग रन में आपका दोनों फैक्टर बदलने लगता है. यहाँ पे आपको तीन तरह का एस्पेक्ट देखने मिलेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर और डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर. मतलब तीन तरह का फेजेस जो हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ा था. अगर आपको याद नहीं तो आप हम लोग चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को वापस, कि वो हमारा जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्वेश्चन है, क्योंकि आपको याद आ जाए अच्छे से, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा. देख सकते हैं, ये हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया है. देखिए, ये है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा तीन फेज बनता है प्रोडक्शन का. पहला इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, और दूसरा डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, तीसरा नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर. अगर आपने थर्ड वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, जिसमें आपका टीपी, एपी और एमपी बढ़ता है तब हम उसे इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं. फिर टीपी थोड़ा बढ़ता है तो धीरे धीरे बढ़ता है, और एमपी घट जाता है और एपी भी घट जाता है, तो हम उसे डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं. आप इसको डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर भी कह सकते हैं. फिर टीपी हमारा फॉल कर जाता है, एमपी नेगेटिव हो जाता है, एपी भी घट जाता है, तो हम उसको नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं. तो इस प्रकार से तीन फेजेज बनता है प्रोडक्शन में. ठीक है, तो इस तीन प्रोडक्शन फेजेज में ये भी क्वेश्चन आता है कि क्यों इंक्रीज कर रहा है प्रोडक्शन. अगर आपका 10 से 30 जा रहा है प्रोडक्शन, तो उसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं. तो आखिर पूछ रहा है कि ये क्यों बढ़ा. फिर आपका 45 से 52 थोड़ा घट गया प्रोडक्शन, बढ़ तो रहा है पर घटते हुए बढ़ रहा है, तो उसको डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं. तो इसमें भी कारण पूछते हैं आपसे एग्जाम में कि क्यों घट रहा है. और नेगेटिव होने पर देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये एमपी जो नेगेटिव हो गया, तो इससे भी पूछता है कि आखिर ये क्यों घटा. ठीक है, तो चलिए हर एक पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्यों घटा है ना. तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारा, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे है क्वेश्चन. और देखिए 2019 का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है. क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट लीड टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, वो कौन से कारण है जिसमें प्रोडक्शन आपका बढ़ता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर का पहला फेज. या फिर आपसे पूछ लेगा रीजन फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर. देखिए, रिटर्न टू फैक्टर जो होता है ना, हमारा जो रिटर्न टू फैक्टर, उसको लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं. अब वो तीन तरह का होता है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नेगेटिव. आप याद रखिएगा रिटर्न टू फैक्टर कितना तरह का होता है, तीन, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नेगेटिव. मतलब हमारा प्रोडक्शन पहले बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर धीरे धीरे और घट जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा. तो आखिर क्यों प्रोडक्शन सबसे पहले बढ़ता है, तो इसका मेन कारण यहाँ लिखा गया है कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर. मतलब आपने फिक्स फैक्टर का अच्छा से उपयोग करेंगे तो हमेशा आपका जो परफॉर्मेंस है, प्रोडक्शन जो है कंपनी का या गुड्स का प्रोडक्शन, वो बढ़ जाएगा. जैसे यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ लिखा है व्हेन द सप्लाई ऑफ फिक्स फैक्टर सेल लैंड एंड मशीनरी इज टू लार्ज. मतलब आपका लैंड और मशीनरी बहुत ज़्यादा लार्ज है, एंड वेरिएबल फैक्टर आर
टू फ्यू वेरिएबल फैक्टर कम है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए बहुत बड़ा ज़मीन है, लैंड है, ठीक ना, अब वहाँ लेबर सिर्फ 5 हैं, लेबर कितना है 5 है, तो आप इस तरह से क्या करेंगे, आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे अपने फिक्स फैक्टर को। पर अगर आप लेबर को बढ़ा देते हैं, जैसे 5 से 50 कर देते हैं और इस लैंड में इन्वॉल्व कर देते हैं, तब आपका फुलर यूटिलाइजेशन होगा, आप अच्छे से प्रोडक्शन करेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हम लोग अच्छे से प्रोडक्शन को करते हैं, ज़्यादा लेबर लगाते हैं फिक्स फैक्टर के अनुसार, मतलब हमारा कॉम्बिनेशन हमेशा फिक्स फैक्टर के साथ होना चाहिए। जितना बड़ा ज़मीन उतना हमारे पास लेबर भी होना चाहिए, ये नहीं कि ज़मीन बहुत ज़्यादा है और लेबर बहुत कम है। तो इस तरह से लेबर मेरा वेरिएबल फैक्टर हो गया और लैंड मेरा क्या हो गया फिक्स फैक्टर, दो ही तो फैक्टर होता ही है। तो अगर कॉम्बिनेशन दोनों का अच्छा रहेगा तो इससे हम लोग बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं फिक्स फैक्टर का। और जब फिक्स फैक्टर का अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है तो हम लोग बिल्कुल प्रोडक्शन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी कहा गया है, जैसे आप देख सकते हैं फिर सेकेंड जो पॉइंट है हमारा वो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ लिखा है इंक्रीज इफेंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर का इफेंसी को बढ़ाना। जैसे व्हेन वेरिएबल फैक्टर आर इंक्रीज एंड कंबाइन विद द फिक्स फैक्टर, देन द फॉर्मर इज यूटिलाइज इन अ मोर इफिशियंट मैनर, एट द सेम टाइम देयर इज अ ग्रेटर कोऑपरेशन एंड हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन बिटवीन द डिफरेंट यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर विच रेजिज द प्रोडक्टिविटी एंड द ऑफ लेबर एंड अदर फैक्टर। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जब आप इफेंसी बढ़ाते हैं वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर को बढ़ाना। जैसे मान लीजिए पहले आपके पास 5 लेबर हैं, अब वो अच्छे से काम कर रहा है, बट अगर आप और भी लेबर को बढ़ाते हैं, +1 कर देते हैं या +2 कर देते हैं या +3 कर देते हैं, 3-4 लेबर और लगा दिए, तो इससे क्या होगा ना, आपका प्रोडक्टिविटी जो है, प्रोडक्शन करने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ा देगा। तो डेफिनेटली आप अपनी इफेंसी को बढ़ा सकते हैं, अपने लेबर को बढ़ाएंगे तो पुराने जो लेबर है उस पर वर्कलोड कम होगा और नया लेबर आने के बाद काम को और जल्दी अच्छे से कर सकता है। तो हमारा जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर होता है, जो स्टार्टिंग में प्रोडक्शन बढ़ता है, वो इस कारण से भी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन बाय इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, जिसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, इसको को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट लीड टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, आखिर जो रिटर्न टू फैक्टर है या प्रोडक्शन जो है वो घटता क्यों है। जैसे मैंने दिखाया था आपको टेबल में कि घटता भी है, टीपी पहले बढ़ता है फिर थोड़ा घटता है फिर नेगेटिव चला जाता है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका जो कारण है वो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, अमंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशन बिटवीन द फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर देयर इज वन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ विच द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं इसको, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से इसको अच्छे समझने में मदद मिलेगा। इफ अ मशीनरी जो कि फिक्स है एट द ऑप्टिमम यूज व्हेन 4 लेबर आर एम्प्लॉयड, मान लीजिए एक मशीन और उस पर आपने 4 लेबर को लगा रखा है, ठीक है, तो ये ऑप्टिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर आपने लगा रखा है। बट अगर आप लेबर बढ़ा देते हैं तो वो आपको खर्चा को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, लेबर पे खर्च होगा तो आप प्रोडक्शन पे खर्च नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्टिममली आप यूज अगर कर रहे हैं और उसके बाद भी अलग से आप लेबर लगा देते हैं तो आपको प्रोडक्शन घटने लगेगा, क्योंकि आप पैसा जो है लेबर को देने लगेंगे, सैलरी देने लगेंगे, वेजेस देने लगेंगे, तो आप प्रोडक्शन पे कैसे खर्चा करेंगे। तो आपको जितना फिक्स फैक्टर उतना के हिसाब से ही आपको लेबर को लगाना है, मतलब वेरिएबल फैक्टर को लगाना है, ठीक है। अगला है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन में, यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि जो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर उसमें परफेक्ट रिलेशन होना चाहिए, मतलब कितना फिक्स फैक्टर पे कितना लेबर होना चाहिए, जैसे कि एक मशीन पे कितना लेबर होने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में जो रिलेशन है वो आपका बिल्कुल, आपको थोड़ा सा अगर पता नहीं रहेगा कि आपको कितना फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को लगाना है, तो वो आपका इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक दूसरे के बदले में यूज करना, कि आप कितना लेबर पे कितना मशीन पे कितना लेबर लगाएंगे या कितना लेबर को फिक्स फैक्टर के साथ लगाना है, तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक ना, तभी आप अच्छे से बिजनेस को चला सकते हैं। अगर नहीं पता रहेगा, इनपरफेक्ट रहेगा, तो आपका डेफिनेटली वहाँ घट जाता है। ये टेबल और डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ थ्योरी लिखने की जरूरत है। अगला लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर है, आखिर जो प्रोडक्शन है वो क्यों घटता है। तो पहला है यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, मतलब कि नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर अप्लाई बिकॉज सम फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन आर फिक्स नेचर विच कैन नॉट बी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द वेरिएबल फैक्टर। जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए होता क्या है, लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर मतलब क्या होता है, देखिए कुछ फैक्टर फिक्स होता है, जैसे लैंड आपका फिक्स है, ठीक है, आप उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। आप लेबर बढ़ा सकते हैं पर लैंड को तो नहीं बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया ना, ये फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं हो सकता, ये चेंज हो रहा है, तो ये एक तरह का लिमिटेशन हो गया। अगर लेबर बढ़ा रहे हैं तो आपका पास जमीन भी बढ़ना चाहिए, जगह भी बढ़ना चाहिए।
अगर जगह नहीं बढ़ रहा है, फिक्स फैक्टर नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हैं, तो आपका प्रोडक्शन लिमिटेशन में चला जाएगा। दूसरा, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरिएबल फैक्टर एंड द फिक्स फैक्टर। यहाँ पे ही मतलब कहा गया कि अगर आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर के साथ, आपको नहीं पता है कि कितने फिक्स कैपिटल के साथ वेरिएबल फैक्टर को इंक्लूड करना है, तो आप अच्छे से भी बिजनेस को या कंपनी को या कारखाने आपके इंडस्ट्री को नहीं चला सकते हैं। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चन और भी हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दिस वीडियो इज कम्प्लीटेड एंड ऑलमोस्ट 95% ऑफ दिस चैप्टर इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। थैंक यू, मस्ट राइट दिस।